बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे। ये गाड़ी है हुंडई एक्सेंट, गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मैंने गाड़ी को स्कैन किया है, ये देखो फॉल्ट जीरो बता रहा है, यानी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है। ECM में, TCM में, कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है गाड़ी के अंदर। ठीक है, मैं गाड़ी करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी में सब लाइट भी है, इंजन लाइट भी है, सब लाइट है गाड़ी के अंदर और पेट्रोल भी है। ये देखो गाड़ी में कोई कोड नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दोबारा चेक कर देता हूँ अच्छे से। ये ECM है, ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल नो ट्रबल कोड, आप लोग देख रहे होंगे। गाड़ी में कोई कोड नहीं है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे कस्टमर ने बताया है कि इस गाड़ी में जो कोयल है उसमें प्लस नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका इंजन भी चेंज कर लिया, कंप्यूटर भी चेंज कर लिया है गाड़ी का, बट इसमें प्लस नहीं आ रहा है कोयल में, वो कस्टमर ये बोल रहा है। इस गाड़ी में थोड़ा सा पहला काम किया है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखो ये इसका ECM है, बिल्कुल नया ECM है इसका ये। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसमें नया ECM लगा दिया है, यहाँ कोयल में प्लस नहीं आ रहा है। मैं ये भी दिखा दूँ आपको, प्लस की बारी है इसमें, इसमें आता है प्लस। आपको चेक कराऊँगा प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ से आता है, इंशाल्लाह मैं आप लोग साथ शेयर करूँगा। इस गाड़ी में होंडा गाड़ी में प्रॉब्लम होती है बहुत, गाड़ी में इस कोयल में या इंजेक्टर में प्लस नहीं आता है, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसमें पहले काम किया हुआ थोड़ा सा किसी ने किया होगा, मुझे नहीं पता किसने किया, बट मैं अभी चेक करूँगा गाड़ी को, आप लोग दिखाऊँगा। गाड़ी की चाबी ऑन है, ये वाली वायर है वो सेंटर में है। ठीक है, नीचे की ओर सेंटर में वायर है, आप लोगों को चेक करा देता हूँ अभी। मेरा टेस्टर है, यहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है, यहाँ चाहिए प्लस। बहुत सब मेरा भाई बोलेगा गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर लो, मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करके चेक करता हूँ यहाँ 12 वोल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। ये वायर इसमें लगी हुई है, आप लोग देख लो, ये वायर इसमें लगी हुई है। ठीक है, इस वायर को मैं ले गया, यहाँ जोड़ दी मैंने, इसको लेके जा रहा हूँ मैं अंदर, ताकि मैं सेल्फ लगाऊँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि मैं अकेला हूँ इसलिए। ठीक है, ये बार मैं अंदर ले आया हूँ, जिसमें मैं टेस्टर लगाता हूँ अभी। ये देखो ये माइनस शो कर रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, अब सेल मारता हूँ। ये देखो यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये वाली वायर है वो ध्यान से देख लो, देखो भाई ये जो वायर है, ये वायर न तो गई फ्यूज बॉक्स में और न गई है ECM के अंदर। ठीक है, ये वायर गई है अंदर फ्यूज बॉक्स में, जिसका फॉल्ट मिल गया है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये वायर मैंने यहाँ लगाई है कंटिन्यू टू चेक करने के लिए। ठीक है, ये वायर है वो, मैं जाता हूँ गाड़ी के अंदर। इसका यहाँ फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ सॉकेट लगे हुए एक और दो। ठीक है, ये वायर इस सॉकेट में आ रही है, ये देखो यहाँ से इस वायर में यहाँ प्रॉब्लम है, मैं भी सोल्डिंग करूँगा उसके अंदर और बाहर जोड़ के। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू चेक कराता हूँ। ये वायर मैं ले आया हूँ जोड़ के बाहर से। ठीक है, इसको सेट करता हूँ कंटिन्यूटी पे, ये सेट कंटिन्यू पे सेट हो गया है। ये देखो कंटिन्यूटी इसकी यहाँ बोल रही है। ठीक है, तो ये वायर जाती है इस फ्यूज बॉक्स से, जो कोयल में प्लस आता है तो वो वायर जाती है इस फ्यूज बॉक्स से। इसमें एक फ्यूज भी लगा हुआ है 15 नंबर का, ये वाला, ये इग्निशन कोयल का फ्यूज़ है।
अपने जहन में रखे इस बात को, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, चलो बताऊंगा बाद में, मैं पहले एक बार गाड़ी चेक करता हूँ, मुझे फ़ोल्ड मिल गया है गाड़ी का, गाड़ी का यहाँ फॉल्ट था, मैं इस बार को जोड़ के और फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखो भाई वायर मैंने जोड़ दी है, ठीक है, ये रही, इस सॉकेट में है ये नंबर, तो नंबर वन सॉकेट में, यहाँ दो सॉकेट लगे हुए, इस सॉकेट में ये वायर जा रही है, ठीक। फ्यूज़ भी है यहाँ, ये वाला ध्यान से देख लो फ्यूज़ को भी, ये वाला जो फ्यूज़ है ये इसी का ही है, ठीक है। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं गाड़ी स्टार्ट एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी फिर बंद करते हैं, ये करते हैं स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी का यहाँ फॉल्ट था, इस वायर में फॉल्ट हो गया क्लियर। देखो फ्रेंड्स यहाँ पेपर पांच वायर है, ठीक है, ये जो चार वायर देख रहे हो आप, ब्लैक ग्रीन रेड और वाइट, यार ये सेम में यहाँ ये देखो, ठीक है, ये चार वायर सिम के अंदर आ रही है। और जो ये वायर है ये जा रही है पल्स की वायर है, ये 12 वोल्टेज, ये कोयल में जा रही है और जा रही है इंजेक्टर में, ठीक है, ये वायर जा रही है कोयल में और इंजेक्टर में, और ये चार वायर आ रही है इसी में यहाँ, और ये वायर जो जा रही है ये जा रही है अंदर बॉडी कंट्रोल में, मैंने आपको बात दिखाया भी है, ये यहाँ इस कंट्रोल में आ रही है नंबर वन सॉकेट में, ठीक है, ये जो वाला सॉकेट है यहाँ से जाता है प्लस, ये मैंने वायर रिपेयर करी है आपको दिखाया मैंने, ठीक है। और यहाँ एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है, इस गाड़ी का फ्यूज चेक करें आप इग्निशन ऑन करके और मल्टीमीटर से चेक करें तो और अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मुश्किल नहीं है, गाड़ी एकदम ओके है इंशाल्लाह। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जो मैंने अभी दिखाया आपको बाहर जिस गाड़ी में सॉकेट लगा हुआ है उस गाड़ी में सेम वोल्टेज आएंगे और सेम ही करंट होगा, सेम वायरिंग होगी जहाँ जहाँ जा रही है, चाहे वो किया हो चाहे रियो हो चाहे एक्सेंट हो चाहे लंटर हो, जिसमें सेम सॉकेट है उसकी सारी लोकेशन वायरिंग की यही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। या अल्लाह खुदा हाफिज़।